हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब ठीक होगे। गाइज, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कैसे आप कार का लाइसेंस बनवा सकते हो कनाडा में आके। पिछली वीडियो में मैंने ट्रक का लाइसेंस के बारे में बात करी थी, वीडियो में मैंने थोड़ा कार का पार्ट भी ऐड कर दिया था ताकि लोगों को थोड़ा प्रोसेस समझ में आ जाए। लोगों को फिर भी थोड़ी कन्फ्यूजन हो रही है, इसलिए मैं दोबारा इस वीडियो को बना रहा हूं ताकि आपको वो चीज कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए। वीडियो में हम सिर्फ कार के लाइसेंस के बारे में बात करेंगे, ट्रक के बारे में बात नहीं करेंगे। ट्रक के लिए मैं अलग से एक दूसरी वीडियो बनाऊंगा जिसमें सिर्फ ट्रक के लाइसेंस के बारे में बात करेंगे, सारा एक्सप्लेन करूंगा कैसे क्या क्या प्रोसेस होता है। तो चलिए गाइस, फिर स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो गाइस, सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है ना कि मन में, वो आता है कि यार हमें गाड़ी इंडिया से सीख के आनी चाहिए कि यहाँ पे आके सीखे। तो गाइस, इसका सबसे इजी आंसर ये है कि अगर आपके पास सोर्सेस है, मतलब आपके घर में गाड़ी हो या आपके किसी फैमिली रिलेटिव में गाड़ी हो जो आपको सिखा सकता हो, आपका भाई, आपका फ्रेंड, आपका कोई भी रिलेटिव, गाड़ी को कंट्रोल कैसे करते हैं, कैसे ब्रेक लगाते हैं, कैसे क्लच दबाते हैं, कैसे गियर चेंज करते हैं, कैसे स्टीयरिंग संभालते हैं, ये सब करने वाला कोई है आपके पास, मैं कोई एडवाइस ये करता हूँ कि आप प्लीज वो सीख के आओ। अगर वो सीख के आओगे अच्छा रहेगा आपके लिए, यहाँ पे आके ड्राइविंग इजिली जल्दी सीख सकते हो आप, क्योंकि यहाँ पे सर आपको रूल्स वगैरह सीखने पड़ेंगे। और अगर आपके पास ऐसा कोई सोर्स नहीं है, ऐसा कोई रिलेटिव नहीं है जो सिखा सके आप, तो कोई बात नहीं, फिर भी आप यहाँ पे आके जल्दी से जल्दी गाड़ी सीख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे कार ट्रेनिंग स्कूल होते हैं, आप उसमें अपना कोर्स स्टार्ट कर सकते हो $500 देके। आपके पूरा एक ट्रेनिंग कोर्स होता है जिसमें आपको एक सर्टिफिकेट भी मिलेगा जो आपको आगे जाके इंश्योरेंस में हेल्प करता है। वो सारी चीजें आप यहाँ पे आके सीख सकते हो, पूरी ट्रेनिंग देंगे आपको, अच्छे सिखाएंगे। जब आप लगेगा कि आप परफेक्ट हो चुके हो टेस्ट के लिए, तो ही वो आपको एग्जाम देने देंगे। उसके बाद आपको एग्जाम के लिए वो गाड़ी देंगे, तो वो सारी चीजें यहाँ पे हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे नहीं होगी, डिफिकल्ट पड़ेगा आपको, अगर है तो आपके लिए बेनिफिट है, नहीं भी सीख सकते तो कोई बड़ी बात नहीं, यहाँ पे आके आप कुछ कर लोगे मैनेज। अब लाइसेंस के प्रोसेस के बारे में हम आगे कंटिन्यू करते हैं। पिकअप के पीछे एक बाइक रखी हुई है, मुझे लग रहा है बुलेट है वो, रॉयल एनफील्ड की बुलेट होती ना, वो लग रही है। अभी आएगी सामने से, मेरे लेफ्ट से आएगी, लग रहा है ऐसा, पक्का नहीं शोर। हाँ बुलेट, देखा बुलेट है, नस लग रही है ना, क्लासिक वाली है, क्या बात है। काफ़ी कब देखता हूँ यहाँ पे ऐसे अपनी बाइक बुलेट वाली, कितनी मस्त लग रही है ना। कमेंट बॉक्स में बताना किस किस को बुलेट बाइक अच्छी लगती है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना अगर आपको अच्छी लगे। मुझे तो बढ़िया है, अब ये वाला मॉडल मुझे अच्छा लगता है, क्लासिक 350 आता है इंडिया में, ये साइड में रुकता हूँ, ये क्लासिक 350 ही है। अब यहाँ से हमें लेना है लेफ्ट। देखो कोई गाड़ी नहीं है तो मैं आराम से मोड़ लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, रोड पे इस पर चढ़ जाए कोई दिक्कत नहीं है। और जब गाड़ी होती है मैं थोड़ा और बढ़ा के लेता हूँ ताकि फिर इजीली निकल जाए, उसके आगे से ना घुसे गाड़ी। एक ट्रक खड़ा है फालतू का, निकल जाएंगे बट वहाँ से ना, निकल तो जानी चाहिए, देखते हैं वही निकलता नहीं निकलता ट्रक। देखो कितना छोटा जगह दे रखी उन्होंने, देखो अब देखना, अब कोई एक आधी पार्किंग गलत होगी ना
तो मेरा ट्रक फंसेगा फिर दोबारा आगे पीछे करके मैं यहाँ से निकलूंगा। देखो है ना बेकार, क्या बेकार जगह रखी गाड़ी भाई, वहां नहीं लगा सकता एक एक आगे हल्की सी। अब गाड़ी भी नहीं लगनी चाहिए, वो भी नहीं चढ़ना चाहिए ना टायर पे उस पर। अब मैं दिखाता हूँ आपको लगानी कहाँ है मुझे बैग का। देखो इतनी सी जगह दे रखी है इन्होंने, यही स्पेस दे रखा है पूरा, और हमें लगानी है सेकंड डॉग पे, दो नंबर पे लगानी है हमें। तो कोई नहीं करेंगे, अब इसमें क्या देखो यहाँ पे ना ऐसे लोग हैं बैग लगाने के बाद भी इधर से उधर गाड़ी निकालते हैं ना, तो उसके हिसाब से लगानी पड़ेगी मैं भी गाड़ी, ताकि गाड़ियाँ भी निकल जाए आगे पीछे से, तो ये गाड़ियों का रास्ता भी है। देख रहे हो कहाँ से जा रहा ट्रक, दिखेगा ही नहीं यहाँ से कहाँ जा रहा है। पीछे भी जगह कम है, ज्यादा कट गया ना, वापस आगे लेना पड़ेगा। ऐसे करके लगाना पड़ता है ये कि ट्रेलर भी सीधा हो जाए थोड़ा सा, अब देखते हैं भाई हुआ है कि नहीं हुआ, वरना फिर आगे ले जाना पड़ेगा, फिर वापस करना पड़ेगा। थोड़ा सा गैप है ना, थोड़ा सा आगे लेंगे और फिर और पुश करेंगे इसको। सीधे एक तरफ से देखूंगा क्या एंगल बना नहीं बना, मेरे ख्याल से अब तो अब हो जाएगा काम। वहाँ बहुत क्लोज है, अब देख पूरा प्रॉपर स्ट्रेट नहीं हुआ, लाइन देखो कैसे आ रही है, बट पीछे से काम चल जाएगा अपना, कोई बड़ी बात नहीं है। ट्रेलर ऐसे छोड़ना पड़ेगा, अगर मैं ट्रक ट्रेलर सीधा करने की कोशिश करूँ ना तो मेरा ट्रक ट्रेलर यहाँ आ जाएगा आधे एक के ऊपर आ जाएगा, इसलिए वो कर नहीं सकते। अब मैं फटाफट से अंदर जाता हूँ, पेपर दे के आता हूँ और डिलीवरी उतरवाता हूँ, उसके बाद आगे बताता हूँ आपको। हाँ जी गाइज, अब आगे कंटिन्यू करते हैं, आपको बताता हूँ कि कैसे आप कार का लाइसेंस ले सकते हो कनाडा में। ऑन्टारियो में कार लाइसेंस के तीन क्लासेस होती है, G1, G2 और G। G1 बेसिकली एक नॉलेज टेस्ट होता है जो आपको कंप्यूटर पे बैठ के देना पड़ता है, जिसमें आपसे ट्रैफिक रूल्स और रोड साइंस के बारे में पूछा जाता है, सेम एज इंडिया में होता तो वैसे ही होता है। यहाँ पे थोड़ी स्ट्रिक्टनेस थोड़ी ज्यादा होती है, आप इसमें सिर्फ 7 ही गलत कर सकते हो, और अगर आप एक बार फेल हो गए तो आप
आपको दोबारे आप एग्जाम दोबारे दे सकते हो, $16 दे के दोबारे आप एग्जाम पे दोबारे बैठ सकते हो। उसके पास ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती कि आपको सिर्फ तीन चांस मिलेंगे या पांच चांस मिलेगी, आप जितने बार चाहो उतने दे सकते हो, बस आपको बस $16 दोबारा बार बार पे करना है। जो सारे रूल्स और रेगुलेशन के बारे में, ट्रैफिक साइंस के बारे में, जो का मैं एक PDF बना के नीचे डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप चेक कर सकते हो कि कैसे रूल्स होते हैं यहाँ पे, क्या रोड साइन होते हैं यहाँ पे, आप सारा एक आपको मैं डाल के दिखा दूंगा नीचे PDF बना के। चाहो तो आप भी आप उसको चेक कर सकते हो, आपको प्रिपेयर करना तो आप उससे इजीली प्रिपेयर कर सकते हो। जब आप जीवन में पास हो जाते हो उसके बाद आपको G2 देना पड़ता है। अब यहाँ पे बात ये आती है कि अगर आपके पास इंडिया में पहले से ही कार ड्राइविंग का एक्सपीरियंस है पहले से ही इंडिया से, तो आपको जीवन के बाद G2 के लिए 8 से 12 महीने का वेट नहीं करना पड़ेगा। आप चाहो तो एक हफ्ते बाद G2 दे सकते हो या डायरेक्ट G दे सकते हो। बट आपको अगर इंडिया में 2 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है गाड़ी का, तो उसके लिए आपको एक ड्राइविंग एब्स्ट्रैक्ट निकलवा के आना पड़ेगा अपनी कंट्री अपनी स्टेट के RTO से। RTO में जाके आप एक ड्राइविंग एब्स्ट्रैक्ट निकलवाना और आप जब यहाँ पे आओगे जीवन दोगे, साथ में आपको सबमिट करना है कि ऐसे ऐसे करके भाई मेरे पास ऑलरेडी एक एक्सपीरियंस है, और अपना लाइसेंस भी लेके आना साथ में। सिर्फ ड्राइविंग एब्स्ट्रैक्ट नहीं, आपका जो लाइसेंस होता है ड्राइविंग का लाइसेंस होता है अपनी कंट्री का, वो भी लेके आना है। वो आपको इनको देना पड़ेगा, उनको सबमिट करना पड़ेगा। उसके बाद ड्राइविंग एब्स्ट्रैक्ट भी ले लेंगे, वो सारी इन्फॉर्मेशन मैच करेंगे। जब वो मैच हो जाएगी, क्लियर हो जाएगा, उसके बाद वो आपको अलाउ करेंगे कि आप जीवन के बाद G2 डायरेक्टली दे सकते हो, कोई आपको वेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कनाडा में आके स्टार्ट कर रहे हो तो आपको कम से कम 8 महीने और ज्यादा से ज्यादा 12 महीने का वेट करना पड़ता है। अगर आप किसी स्कूल ट्रेनिंग से कार की ट्रेनिंग लोगे ड्राइविंग की, तो आपको एक वो सर्टिफिकेट देंगे, उस सर्टिफिकेट की वजह से आपको 8 महीने के बाद ही आप G2 दे सकते हो। अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, अगर आपने किसी से ट्रेनिंग नहीं ली, सिर्फ 12 महीने का वेट किया और अपने किसी फ्रेंड से या फैमिली मेंबर से गाड़ी सीख ली, तो आपको 12 महीने के बाद ही वो अलाउ करेंगे G2 देने के लिए। आगे G2 में क्या क्या होता है वो मैं आपको आगे बताता हूँ। अभी मुझे ट्रक निकालना है यहाँ से, मेरी डिलीवरी कंप्लीट हो चुकी है यहाँ से, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पिकअप पे जाते हैं। वहां पे जाके मैं आपको बताऊंगा ये G2 में क्या क्या होता है। दिल्ली रोडवेज चलते ना, ये उसी का है। यहाँ पे गो बस बोलते इनको, ये आपके स्टेट कनेक्ट करती है। टाइम हुआ है 11:30, सुबह 6 बजे स्टार्ट की थी मैंने अपनी शिफ्ट आज, वैसे 5:45 करी थी और 11:30 हो गए हैं। तो देखते हैं आज कितने घंटे की शिफ्ट लगती है। मुझे जहाँ तक लगता है कि भाई 9 घंटे 10 घंटे तो लगी जाएगी आज। जी गाइस, अब कंटिन्यू करते हैं आगे। अब मैंने आपको बता दिया कि जीवन में क्या होता है। G2 में आपको गाड़ी चला के दिखानी पड़ती है, वो आपको कम से कम 15-20 मिनट आपको टेस्ट लेंगे, जिसमें वो आपसे बैक पार्किंग करवाएंगे, पैरेलल पार्किंग करवाएंगे और 3-point turn करवाएंगे, आपसे इमरजेंसी पार्किंग करवाएंगे और पार्किंग स्पॉट्स में पार्किंग होगी, उसमें बोलेंगे कि यहाँ पार्क करके दिखाओ, और काफ़ी सारे राइट टर्न लेंगे, लेफ्ट टर्न लगवाएंगे इंटरसेक्शन से। तो ये सब जो टेस्ट लेते हैं 15-20 मिनट का टेस्ट होगा। बट जैसे मेजर गलतियां होती हैं, जैसे किसी पेडेस्ट्रियन को डरा दिया या पेडेस्ट्रियन आपकी वजह से रुक गया, अगर पेडेस्ट्रियन क्रॉस कर रहा है और आप गाड़ी लेके ऐसे आ गए कि वो डर गया, तो वो आपका एक मेजर गलती होगी। और जैसे कोई आप लेन चेंज कर रहे हो और किसी पीछे वाली गाड़ी ने आपकी वजह से ब्रेक लगाए तो स्लो हो गया आपकी वजह से, तो वो आपकी गलती मानी जाएगी, क्योंकि आपने उसकी स्पीड के साथ मर्ज नहीं किया लेन में, तो वो आपकी गलती मानी जाती है मेजर। तो ऐसे ही जो जो मेजर गलतियां होती ना, वो सब ट्रेनिंग में सिखाते हैं, वो सब गलती नहीं कर सकते। माइनर गलती सिर्फ 10 अलाउड होती है, मेजर तो एक भी अलाउड नहीं होगी। अगर एक भी गलती आपने मेजर कर दी तो कुछ भी वो आपको जब भी फेल कर देंगे। और G2 में यही होता है, G2 और G में थोड़ा फर्क होता है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। वो जो G2 होता है उसकी फीस
आप जीवन के टाइम पे ही पे कर देते हो, उस टाइम आपको कोई पे नहीं करना पड़ता। हाँ, अगर आप एक बार फेल हो गए G2 में तो सेकंड बार जब जब G2 देना पड़ेगा तो आपको पे करना पड़ेगा, अराउंड आपको 150 के आसपास पे करना पड़ता है, मुझे एग्जैक्ट अमाउंट याद नहीं है। अगर आप G2 में फेल हो गए तो आपको अगेन G2 ही देना पड़ेगा। आपके पास ऐसा नहीं होता कि आप साथ के साथ दोबारा G2 दे दो, आपको दोबारा डेट बुक करनी पड़ती है, एक अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, दोबारा ऑनलाइन जाके आप बुक करते हो, और जल्दी से डेट तो मिलती है नहीं, आसपास की डेट नहीं मिलती। कि ऐसा नहीं है कि आप नेक्स्ट वीक कर लोगे, मे बी आपको लगे महीना महीने बाद की डेट मिले, या ये नहीं है कि आपके साथ के साथ दोबारा एग्जाम दे दोगे, वो आपको नहीं देने से देने नहीं देंगे। ठीक है, देखो अगर आपके पास एब्स्ट्रैक्ट नहीं है ना, तो आपको अगर आपने G2 पास कर लिया तो उसके बाद आपको 8 महीने से लेकर 12 महीने तक का वेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप जी दे सकते हो। जी में क्या होता है, जी और G2 में आपको थोड़ा डिफरेंस बता देता हूँ। G2 एक स्मॉल लाइसेंस होता है और एक जी लाइसेंस फुल लाइसेंस होता है। कार में जी से ऊपर कोई लाइसेंस नहीं होता, मतलब उसमें आपको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी, कहीं भी आप जा सकते हो, किसी टाइम भी जा सकते हो। G2 में थोड़ी रिस्ट्रिक्शन होती है, ऐसे जैसे कि 11 बजे के से लेकर आप सुबह 5 से 6 बजे तक आप हाईवे पे ट्रैवल नहीं कर सकते किसी बच्चे के साथ। कई चीज़ें होती है, मतलब छोटी छोटी चीज़ें होती है, वो ज़्यादा फ़र्क नहीं करती, बट G2 और G में ये फ़र्क होता है। थोड़े बहुत रूल्स होते हैं, अगर उसमें पकड़े गए तो आपको पुलिस वाला टिकट ज़रूर देगा। बट अब नया अपडेट आ चुका है, नया रूल आ चुका है कि जो एग्ज़ाम में आपने G2 पे टाइम दिए थे ना, वो सेम चीज़ आपसे G पे नहीं करवाएंगे। G में या तो सिर्फ हाईवे पे ले जाएंगे, या 2-4 ऐसी चीज़ें करवाएंगे जो आपसे G2 पे नहीं करवाई थी। मेरे टाइम पे थोड़ा अलग था, मेरे टाइम पे G2 में जो मैंने करा था वो सेम मैंने जी में भी करा था, और उसके बाद मैं हाईवे पे भी गया था, तो वो थोड़ा डिफरेंस था। अब के टाइम पे ऐसा रूल आया कि जो जैसे अगर आपने पैरेलल पार्किंग G2 के टाइम पे कर ली, तो वो आपसे पैरेलल पार्किंग जी पे टाइम पे नहीं करवाएंगे, और अगर आपसे 3.10 नहीं करवाया तो वो आपसे करवा सकते हैं 3.10 जी के टाइम पे। आगे जी के बारे में मैं और बताऊंगा, आगे कंटिन्यू करूंगा। ये पिकअप कंप्लीट हो चुका है, इसका पेपर लेके आते हैं। हाँ जी गाइज, तो उसके बाद जी में ज्यादा कुछ बचता नहीं है। अगर जब आप जी की ट्रेनिंग लोगे, अगर आप ट्रेनिंग स्कूल से जी की भी प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपको ट्रेनिंग वाले बार बार हाईवे पे ले जाएंगे, आपको मर्ज करना सिखाएंगे, लेन चेंज करना सिखाएंगे, कैसे हाईवे पे इमरजेंसी स्टॉप लगाना होता है वो बताएंगे। वैसे ही एग्जाम में भी आपको जो इंस्ट्रक्टर आपके साथ बैठेगा एग्जाम वाला, वो आपको बोलेगा कि भाई आपने, उनको पता होगा आपके रिकॉर्ड में कि आपने कौन सी G2 के टाइम पे कौन सी टेस्ट करके दिखाए थे, मतलब और इसने इसमें फेल कर दिया था और इसमें गलती करी थी, तो जो गलती की होगी वो भी आपसे रिपीट करवा सकते हैं कि भाई आपने उस टाइम G2 में ये गलती करी थी। बट वो आपको ये नहीं बताते कि भाई आपने इस टाइम से गलती करी थी, हम इसलिए आपको रिपीट करवा रहे हैं। तो कई चीज़ें ऐसे हो सकते हैं जो आपने G2 में दी होगी, तो वो आपको रिपीट करा के जी के टाइम पे भी करवा सकते हैं। तो ऐसा मत करना कि प्रिपेयर रहना, हर चीज की प्रैक्टिस दोबारा कर लेना, प्रैक्टिस सब चीज़ ही करना, जो पूछेंगे आपसे, जो बताएंगे, जो भी पूछेंगे आपसे, फटाफट करके दिखा देना, प्रॉपर करके दिखाना, और शांति से करके दिखाना होता है, और कोई जल्दीबाजी नहीं करनी होती, फास्ट लेन चेंज नहीं करना होता, प्रॉपर ब्लाइंड स्पॉट चेक करने होते हैं। जैसे वो उनको बोलेंगे, वो पूछेंगे आपसे कि भाई, वो बताते भी है कि भाई आपने जब भी ब्लाइंड स्पॉट चेक करो, मिरर चेक करो, तो आपकी गर्दन हिलनी चाहिए, सिर्फ आंखों से चेक मत करना, कभी आंखों से चेक कर लो, गर्दन हिलनी चाहिए, अगर नहीं गर्दन हिलाओगे तो वो आपके पॉइंट्स काट लेते हैं, ऐसे करके जी एग्जाम होता है। तो हाईवे, आप जब आप हाईवे पे जाओगे और वो आपसे बोलेंगे कि आपको लेन चेंज करनी है, ऐसा लेन चेंज करने की भाई कि पीछे वाले को परेशानी ना हो, पीछे वाला आपके लिए ब्रेक ना लगाए, और पीछे वाला आपको हॉर्न ना मारे। अगर ऐसे स्मूथली आपको लेन चेंज करनी है, स्पीड के साथ मर्ज करनी है, क्योंकि यार देखो ये हाईवे पे लिखा होता है 100 की स्पीड, बट लोग चला रहे होते हैं 130 की स्पीड, 140 चला रहे होते हैं, 120 चला रहे होते हैं, 110 चला रहे होते हैं, तो मतलब 100 की स्पीड पे ही नहीं चलाना, तो मिनिमम स्पीड 100 की होती है, तो 105 108 जा सकते हो। वो आपको जब भी फर्स्ट जो आपकी जो सबसे फार राइट लेन होती है ना, वहां से आपको स्टार्ट करवाएगी, और फिर बोलेगी कि आपकी भाई की लेन चेंज करके आप सेंटर लेन में आ जाओ, तो वो आपको सेंटर में और राइट में ही रखेंगे। तो जब भी प्रैक्टिस करो तो सेंटर और राइट में ही प्रैक्टिस करना, वो बेटर रहेगा आपके लिए। बस एक स्पीड मेंटेन रखनी पड़ती है, कि एक स्पीड मेंटेन रहे और आपके लेन चेंज करते टाइम ब्लाइंड स्पॉट वगैरह चेक करे, बस यही मेन होता है मेन चीज। बट जी के लिए आपको अलग से फीस भरनी पड़ती है बाद में दोबारा, जैसे आप G2 की और G1 की फीस एक ही बार में $250 के आसपास कट जाती है, बट जी के लिए आपको अलग से $110 या $100 के आसपास आपको दोबारा पे करना पड़ता है। G1 और G2 की फीस एक साथ कटती है, वो अलग से एक एग्जाम बुक करना पड़ता है ड्राइव टेस्ट पे, अगर आप में फेल हो गए तो दोबारा फिर वो $95 के आसपास होता है, टैक्स लगा के $110 के आसपास पड़ता है। ठीक है, देखो डॉक्यूमेंट्स में आपको कुछ नहीं चाहिए, बस आपका एक
एक आपकी आईडी हो जाएगी, अगर आप स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट की आईडी हो जाएगी, अगर आपके पास पासपोर्ट है तो पासपोर्ट की आईडी चल जाएगी, और अगर आपको चश्मे लगे हुए जैसे मेरे को लगे हुए हैं तो प्लीज उनको बता देना कि भाई मेरे को चश्मे लगे हुए हैं। एक क्विक आई टेस्ट लेते हैं वहीं की वहीं, नहीं दिख रहा होगा तो उनको बता देना कि भाई मुझे ग्लासेस लगते हैं, तो वो आपको ग्लासेस पहनवा के फिर वो टेस्ट लेंगे ताकि आपको एक्यूरेट दिख सके, फिर वो आपकी फोटो वगैरह लेते हैं और उसके बाद बापू आपको एग्जाम रूम में भेज देंगे। तो गाइज ये सारी चीज बता दी मैंने आपको, जो जो पॉइंट इसमें लगते हैं कुछ मिस हो गया तो मुझे जरूर बताना कि भाई मैं इस पॉइंट को कवर करना भूल गया हूँ। तो अच्छे पिछली वीडियो में अच्छा फीडबैक आया था तो इस वीडियो में भी प्लीज फीडबैक जरूर देना। और ये थी आज की वीडियो, अगर आपको पसंद आई तो प्लीज लाइक करना, थोड़ी भी इन्फॉर्मेशन वर्थ इट थी तो लाइक जरूर करना, और चैनल पर न्यू हो और सब्सक्राइब कर देना चैनल को, ऐसे ही वीडियोस और भी आती रहेंगी। एक में दो वीडियो डालता हूं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना चैनल को और बेल आइकन दबा देना। तो गाइस मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।